दोस्तों, साइंस की बात करें तो हर साल साइंस तरक्की की ओर बढ़ते जा रहा है और हर असंभव चीजों को संभव करने में लगा है। लेकिन कुछ ऐसे चीजें होती है जो ना साइंस के हाथ में होती है ना आम इंसान के हाथ में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ऐसे बच्चों से मिलाऊंगा जो ऐसी जन्मित बीमारों से जूझ रहे हैं जिसे देख के आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आपने कभी ऐसा बच्चा देखा है जिसकी पूंछ निकल आई हो, या जिसके बदन में पेड़ उग गए हो, या ऐसा बच्चा जिसके मुंह में नाक इतनी बड़ी हो मानो हाथी की नाक की तरह हो। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। नंबर 1, टेल बॉय। आप इस मासूम बच्चे को देखते ही पता लगा लिए होंगे कि इसे टेल बॉय क्यों कहा जाता है। इस बच्चे का नाम अर्शिद है जो कि चंडीगढ़ का रहने वाला है। जन्म होते ही पता लगा कि ये बच्चा एक पूंछ के साथ पैदा हुआ है, लेकिन पैदा होते वक्त पूंछ काफी छोटी थी, यानी ना के बराबर। लेकिन उम्र बढ़ते बढ़ते अर्शिद की पूंछ भी बढ़ने लगी और 14 साल की उम्र में अर्शिद की पूंछ की लंबाई लगभग 18 सेंटीमीटर हो गई। लोग इसे बजरंगबली का अवतार मानने लगे और पूजने लगे और इस बच्चे को बालाजी के नाम से जानने लगे। लेकिन पूंछ के कारण अर्शिद को काफी दिक्कत होने लगी। उसके स्पाइनल कॉर्ड्स काफी कमजोर हुए जा रहे थे जिसके कारण अर्शिद को बैठने में और सोने में तकलीफ होती थी। हाल ही में इस बच्चे की पूंछ का ऑपरेशन हो चुका है और ऑपरेशन 100% सफल रहा है। लेकिन इस डिसऑर्डर को कैडुअल अपेंडिज के नाम से जाना जाता है। रिसर्चर का मानना है कि हमारे पूर्वजों की भी पूंछ होती थी, लेकिन समय बदलते बदलते इंसानों के आकार भी बदल गए और काफी चीज नॉर्मल हो गए। लेकिन कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण ऐसे बच्चों का पैदा होना संभव है। नंबर 2, बेबी विदाउट स्किन। दिल्ली में एक मासूम बच्ची ऐसी बीमारी का शिकार हुई जिसे हार्लिक्विन इस्थियोसिस के नाम से जाना जाता है। इस मासूम बच्ची के बदन में ना चमड़ी थी, ना देखने के लिए आंख, सिर्फ सांस लेने के लिए नाक थी। दिखने में ये एक हूबहू एक रोबोट की तरह थी। ऐसे बच्चे कुछ ही घंटे तक जीवित रहते हैं। ये बच्ची काफी घंटों तक अपनी जिंदगी के लिए लड़ी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इसका निधन हो गया। डॉक्टर का कहना है ऐसी जेनेटिक बीमारी हर 3 या 4 लाख बच्चों में से एक बच्चों में पाई जाती है। नंबर 3, अ बॉय विद हैवी लेग। इस बच्चे का नाम विंसेंट ओंकिच है जो कि युगांडा का रहने वाला है। ये छोटा बच्चा एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा था जिसे शायद हम और आप झेल ही नहीं सकते। इसे एलिफेंटियासिस डिजीज नाम की एक बीमारी ने आ जकड़ा। आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह इस बच्चे के पैर फूल गए हैं। ये अपना पैर भी नहीं उठा सकता था, ना ही कुछ कर पाता था। हालांकि ये पैदाइशी बीमारी नहीं है विंसेंट को। ये बीमारी 1.5 साल की उम्र के बाद हुई। बढ़ती उम्र के साथ साथ विंसेंट के पैर का भी वजन बढ़ने लगा और सूजने लगा। 13 साल की उम्र में विंसेंट के पैर लगभग 20 से 25 किलो का हो गया था। इस बच्चे को काफी डॉक्टर के पास दिखाया गया। डॉक्टर का मानना था शायद ये बीमारी 6 से 8 साल में ठीक हो सकती थी, लेकिन विंसेंट की मौत 2013 में ही हार्ट अटैक के कारण हो गई। नंबर 4, वॉल्फ बॉय। मध्य प्रदेश में रहने वाला 13 साल का ललित पतिदार नाम का लड़का जिसे वेयर वॉल्फ सिंड्रोम जैसी पैदाइशी बीमारी ने आ जकड़ा। ललित के पूरे चेहरे और हाथ पे बुरी तरह से बाल उग रहे थे जिसके कारण ललित के आसपास कोई नहीं भटकता था। सारे दोस्त दूरी बनाए रखते थे और काफी बच्चे इसे देख के डर जाते थे, लेकिन ललित ने हार नहीं माना और अपनी हिम्मत को मजबूत किया और आज समाज ने ललित को स्वीकार कर लिया। अब ललित एक आम इंसान जैसी जिंदगी जी रहा है। वो स्कूल भी जाता है और उसके काफी दोस्त भी है। डॉक्टर और रिसर्चर का मानना है कि ये लाइलाज बीमारी है, लेकिन आने वाले कुछ समय में इसका इलाज भी हो सकता है। नंबर 5, अ बॉय विद जायंट हैंड। दोस्तों, मोहम्मद कलीम झारखंड का रहने वाला है। इसे एक्रोमेगाली डिजीज की बीमारी हो गई थी। इस बीमारी में कलीम के हाथ काफी तेजी से बढ़ने लगे। बचपन से ही कलीम के हाथ काफी बड़े थे। कलीम के हाथों का वजन लगभग 12 किलो है और लंबाई 13 इंच है, जिसके कारण ना वो ठीक से खाना खा सकता है, ना ही कुछ काम कर सकता है। घर वालों का कहना है कलीम को डॉक्टर के पास भी दिखाया गया, लेकिन कुछ सुधार नहीं आया। अब तो डॉक्टरों ने भी कह दिया है कि इसका कोई इलाज नहीं है। ये बीमारी उन्होंने पहली बार देखी है। वैसे अभी भी काफी कोशिश की जा रही है ताकि कलीम के हाथों को बढ़ने से रोका जा सके, नहीं तो इसका असर कलीम के दिल पर भी हो सकता है। नंबर 6, ट्री मैन।
इस बीमारी को एपिडर्मोडीप्लासिया विरुसीफॉर्मिस डिजीज कहा जाता है। वैसे ये बीमारी चंद लोगों को ही होती है। विश्व भर में लगभग ऐसे 8 से 10 ही केसेस हैं। इस बीमारी में आपके बदन में कहीं भी पेड़ जैसे डाल आ सकती है। आसान भाषा में कहें तो ये एक मसा या मोल की जाती रहती है। कुछ लोगों को ये एक पर्टिकुलर जगह पे ही आती है, जैसे कि मुंह, हाथ या पैर। डॉक्टरों का कहना है जब हमारे बॉडी के अंदर ह्यूमन पपिलोमा वायरस का प्रवेश होता है तो हमें ऐसी बीमारी आ सकती है। लेकिन डरने की बात नहीं, हमारा इम्यून सिस्टम 99.99% ऐसी बीमारियों को या वायरस को खत्म कर देता है। चंद ही लोगों को ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। वैसे ये बीमारी का भी इलाज नहीं है, लेकिन लगातार ऑपरेशन करते रहने से इसे राहत मिल सकती है और काफी हद तक इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। नंबर 7, अ बेबी विद ट्रंक। ये छोटी सी मासूम बच्ची जिसका नाम लक्ष्मी है, पैदा होते ही इसकी नाक इतनी बड़ी थी मानो एक हाथी जैसी नाक, जिसके कारण लक्ष्मी को सांस लेने में और खाना खाने में काफी तकलीफ होती थी। लक्ष्मी के आसपास के लोग और गांव वाले इसे गणेश जी का अवतार भी मानने लगे थे और काफी लोगों ने इसके पैदा होने पर जश्न भी मनाया। ये एक बीमारी जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होती है। डॉक्टर का कहना था कि लक्ष्मी की मां ने प्रेगनेंसी के टाइम कुछ अजीब दवाई का सेवन किया था, जिसके कारण बच्चे की पैदाइशी में असर पड़ा। खैर, इस बच्ची का अभी ऑपरेशन करवा दिया गया है और काफी खुश है इनके घर वाले। नंबर 8, टर्टल बॉय। आप इस बच्चे को देखते ही पता लगा लिए होंगे कि इसे टर्टल बॉय क्यों कहा जाता है। असल में इस बच्चे के पीठ पे कोई मसल या मांस नहीं है। ये एक प्रकार की बीमारी है जिसे कॉन्गेनिटल मेलानोसिटिक नेवस डिजीज कहा जाता है, जो कि तिल या मस्से के ज्यादा बढ़ने के कारण होता है। इस बच्चे का तिल इतना बढ़ गया कि मानो ये एक टर्टल की तरह दिख रहा है। इस कहानी की सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि ये बच्चा पूरी तरह से सही हो गया है। इंग्लैंड के डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन करके इसे एक नई जीवन दी और बच्चे के चेहरे पे फिर से मुस्कुराहट लौटा दी।